फोन आ रहा है, अभी हम यहाँ बैठे हुए पत्थर पे, आए लक में दर्द हो गया। तो पठान है वो भी? हाँ पठान है, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पठान है। तो जा रहे हैं इस वक्त मचाए सर को, तो चरगे डप हम गए थे। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगी, वो वीडियो भी देखें आप। तो जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ की मशहूर जगह जो है ना वो मचाए सर है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, मैं हूँ और एक मेरा दोस्त। गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, फोर व्हील गाड़ी आ सकती है यहाँ पर, तो आम गाड़ियाँ नहीं आ सकती। मोटरसाइकिल हो तो वो आते हैं, मोटरसाइकिल 70 भी आ जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, रास्ता इतना खूबसूरत है तो जगह आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं जगह की। तो छोटे छोटे मैदान रास्ते में आपको मिलेंगे। तो व्यूअर्स हम इस वक्त मचाए सर के करीब ही हैं, तो बस अभी 5 मिनट का रास्ता बाकी है, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, मचाए सर की विजिट करवाएंगे आपको। यहाँ पर आप जरूर आए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो व्यूअर्स ये होटल बनाए गए हैं, यहाँ पर 3-4 होटल हैं। तो व्यूअर्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मैदान, मचाए मैदान को। तो यकीन माने बहुत ही खूबसूरत जगह है। मचाए सर ऊपर है इधर, तो ये रहा मैदान, अक्सर लोग यहाँ इस मैदान में आते हैं खेलने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये सामने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, तो शायद है। मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, तो इनसे पूछते हैं सफ़र के बारे में, पूछते हैं रास्ता कैसा था और ये जगह इनको कैसी लगी। तो जी वकास शाह, कैसी जगह लगी ये? यार जगह तो बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह है। हमने तो बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि मचाए सर का ग्राउंड, तो आज हमने बहुत ही
मुशक्कत के बाद जो है ना आकर देख लिया। तो रास्ता तो बहुत, आप वीडियो में देख लेंगे कैसे कैसे रास्ते से हम आए। तो बहरहाल यकीन नहीं था कि हमें आगे जाके ऐसे जन्नत की तरह से एक जन्नत जगह मिलेगी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सुकून आ रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हुए पत्थर पे, आए लक में दर्द हो गया। तो ये जो लोग इधर खेल रहे हैं, ये मुकामी हैं या बाहर के आए हुए हैं? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में नहीं है मुकामी, ये सब बाहर के आए हुए हैं, सब यहाँ पे रल मिल के जो है ना खेल रहे हैं। ये जब यहाँ पे आते हैं तो साथ में गेंद और बल्ला साथ ही लेके आते हैं। अच्छा, इनको पता होता है कि वहाँ पे ग्राउंड है, हम जाके वहाँ पे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इसलिए आप ये देख रहे हैं, ये कुछ अफरीदी के बच्चे हैं यहाँ पे, बड़े लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। तो ये मैंने सामने गाड़ी देखी है, बहुत बड़ी गाड़ी, बड़ा निज़ाम बनाए उन लोगों ने। तो ये किधर से आए उनको जो पता है आपको? आप गए थे, पास गए थे, पूछा है आपने? नहीं पूछा तो नहीं है, लेकिन लोगों से ये अंदाज़ा होता है कि ये मेरे ख्याल में पेशावर से आए, क्योंकि गाड़ी भी पेशावर नंबर की है। अच्छा, तो पठान है वो भी? हाँ पठान है, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पठान है, तो पेशावर भी होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर रात इधर ही गुजारते हैं या नीचे होटल की तरफ जाते हैं? नहीं, रात इधर ही होगी, आप देख सकते हैं ये खेमे लगाए हैं, वो गाड़ी के साथ मैंने वो लगाया हुआ है, वो खेमा सा लगाया हुआ है। तो व्यूअर्स, यकीन माने बहुत ही खूबसूरत जगह है। रास्ते में आ रहे थे तो दिल हमारा टूट गया था कि यार कहाँ फंस गए, क्या तो ये कैसे रास्ते, जगह कैसी होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ हम पहुँच चुके हैं, तो अभी दिल को सुकून मिला कि यार वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये नीचे आप देख सकते हैं बड़ा सा ग्राउंड बनाए हुए, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड बनाए हुए। तो ये रहा बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने, तो वो सामने परचम भी बनाए हुए पाकिस्तान का, बहुत छक्का लगाया हुआ, बहुत ही शानदार छक्का, बॉडी लाइन से बाहर कर दिया, एक खूबसूरत शॉट। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 147।